नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को समीकरण निकालना बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस समीकरण में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, निम्न में से किस समीकरण में एक्स बड़ा है 6 से, मतलब ऐसा x बड़ा है 6 से, इसको मतलब जिधर इसका मुंह रहता है ना, उधर को बड़ा मानते हैं और इधर को छोटा मानते हैं। तो इसका दोस्तों आप लोग देख सकते हो, तीन ऑप्शन दिया गया है और तीनों ऑप्शन को हम लोग को हल करना पड़ेगा। तो पहला नंबर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ए नंबर को लिखता हूँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है, यही है ना। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्वेश्चन है ठीक। इसमें करना ये रहता है सबसे पहले कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक मान लेते हैं और इसको और ये लास्ट वाले को पहले गुणा करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, एक गुणा 12, तो यह 12 ही रहेगा। और अगर कोई यहाँ पर कुछ रहता 3, 2, 4 कुछ भी, 10, 15 कुछ भी रहता, तो उसको 12 के साथ इसके साथ गुणा कर देते पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आता, मतलब अभी 12 आया है, तो उस 12 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है, ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि इसको जोड़ने और घटाने से 7 आए और गुणा करने से 12 आए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग इसको 4 और 3 में तोड़ें, 12 को 4 और 3 में तोड़ें, तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12, ठीक है, गुणा करने में क्या हो जाएगा, 12 आएगा, और उसको जोड़ने या फिर घटाने में क्या आएगा, 7 आएगा। तो 4 और 3 7 होता है, मतलब जोड़ने से 7 आ रहा है, मतलब हम लोग 12 को तोड़ लिए। अब अगला स्टेप देखिए, इसको सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, अब इसमें हम लोग को दिक्कत क्या जाता है कि हम माइनस डालें कि प्लस डालें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर बड़े वाले में माइनस रहेगा, ये 3 बड़ा होता तो इसमें माइनस रहता, ये बड़ा रहता तो इसमें माइनस रहता, तो हम लोग का ये माइनस है, तो ये मतलब ये बड़ा है, तो इसमें ये माइनस है इसलिए बड़े वाले में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया माइनस 4 और एक्स का एक्स, और इधर क्या लिखेंगे, माइनस की प्लस, वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग को जोड़ना है, यहाँ पर क्या करना है, 4 और 3 को जोड़ना है, मतलब कैसे करके जोड़ होना चाहिए, मतलब 7 लाना है, ठीक। तो क्या होता है, देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, हमेशा क्या होता है, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और क्या होता है, प्लस और प्लस का गुणा करते हैं, प्लस और प्लस का गुणा करते हैं, फिर भी प्लस होता है, और अगर माइनस गुणा प्लस करते हैं, माइनस गुणा प्लस करते हैं तो माइनस हो जाता है, और अगर माइनस गुणा और अगर प्लस गुणा माइनस करेंगे, प्लस गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब इसको याद करने का, जब अगर एक समान रहे, दोनों एक समान रहें तो प्लस हो जाते हैं, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एक समान रहे मतलब प्लस और प्लस एक समान है तो वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अगर माइनस प्लस असमान है तो माइनस हो जाएगा, असमान है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग को दिमाग लगाना है कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना कैसे पड़ेगा, अगर हम लोग का -4 और -3 अगर लिखेंगे तभी तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और दोनों जुड़ जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पर हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, मतलब 3x लिखना पड़ेगा, ठीक। अब इधर क्या है, प्लस 12,
प्लस 12 और 0 है ना बराबर 0 ये हो गया। तो हम लोग का एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक देखिए तो इस जोड़ा में से कुछ कॉमन निकालना है और इस जोड़ा में से कुछ कॉमन निकालना है। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x इसमें भी है x इधर भी है, तो दोनों x में से एक ठो x बाहर निकल जाएगा। ठीक तो इधर क्या बचा, एक ठो x बचा और माइनस का माइनस लिख देंगे और इधर क्या बचा, 4 बस बचा है। ठीक है देखिए अब यहाँ पर क्या निकलेगा, माइनस 3x है और इधर क्या है 12 है। ठीक है तो इधर क्या निकलेगा, माइनस 3 निकलेगा, माइनस 3 बाहर निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, ये 12 के अंदर 3 है ना, 3 का मतलब कि 3 गुणा 4 है तो 3 को बाहर निकाल दिए तो उधर क्या बचा, 3 गुणा 4 है तो 3 को बाहर निकाल दिए तो वहाँ पर क्या बचा, 4 बचा हुआ है, यहाँ 4 बचा है। मतलब कहने का कि x बचा है और यहाँ पर देखिए और एक ठो फंडा आ गया कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो ठीक है यहाँ पर माइनस 3 बाहर निकल गया, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकल गया तो इसका माइनस 3 दो चीज़ निकला है, माइनस और 3 निकला है तो ये साइन जो है ना यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा और 4 बचा है मैं बोला तो 4 लिख देंगे 0। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए इसके बाद है दोस्तों हम लोग का ये वाला और ये वाला एक जैसा है तो इन दोनों में से एक ठो यहाँ लिख देंगे x माइनस 4 और फिर ये दोनों में से एक ठो को यहाँ लिख दिए और इस x और इसको 3 को यहाँ लिख देंगे, मतलब x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है अब देखिए यहाँ से हम लोग का हो जाएगा कि यहाँ से 3 माइनस 4 बराबर 0 तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 4 हो जाएगा, मतलब 4 क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 0 के इस पार लिखेंगे इसलिए। इधर देखिए x माइनस 3 बराबर 0 तो x को पक्षांतर करेंगे 3 को तो 3 भी प्लस में हो जाएगा। ठीक तो दोस्तों इसमें दो मान आ गया, x बराबर 4 और x बराबर 3। ठीक है अगला ऑप्शन बी ऑप्शन है। देखिए बी में क्या लिखा है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 बराबर 0। ठीक है तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग को 64 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है, 64 को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि हम लोग का गुणा करने पर 64 आए और जोड़ने और घटाने पर 16 आए। ठीक ऐसा दो भाग में तोड़ना है तो देखिए हम लोग इसको ना 64 को 8 और 8 तोड़ देंगे तो क्योंकि 8 28 64 होता है, 8 और 8 गुणा करने से 8 28 64 होता है और इसको जोड़ने से क्या हो जाता है 16 हो जाता है, 8 8 16 हो जाता है। ठीक तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगला स्टेप x स्क्वायर माइनस, ठीक है यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस होगा तो अगर मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं बताया था कि अभी माइनस और प्लस हो जाता है, माइनस प्लस असमान रहता है तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है तो ये दोनों घट जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ, जबकि 0 नहीं लाना हम लोग को 16 लाना है तो यहाँ मैं माइनस कर रहा हूँ तो इधर भी माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है तो देखिए एक्स माइनस फिर से 8x फिर प्लस 64 इक्वल टू 0। ठीक ये हो गया तो ये एक ठो जोड़ा ये हो गया, एक ठो एक जोड़ा हो गया तो इसमें से हम लोग को कॉमन निकालना है तो इसमें x स्क्वायर माइनस 8x है तो इसमें कॉमन क्या है x दिखाई दे रहा है तो x को बाहर लिख दिया तो इसमें से x x बाहर निकल गया है, एक ठो x बाहर निकल गया है। ठीक है तो एक ठो x बचा हुआ है तो एक x लिख देंगे माइनस यहाँ पर क्या बचा है 8 बचा है। ठीक है यहाँ पर क्या निकलेगा माइनस 8 निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x
प्लस है तो यहाँ पर माइनस आठ निकल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं बोला था यहाँ माइनस लिखें कि प्लस लिखें उसके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर माइनस आठ यहाँ से बाहर निकल गया, माइनस आठ, तो यहाँ पर माइनस आठ निकला है तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस आठ बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x माइनस आठ और x माइनस आठ है, सेम टू सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों का एक ठो लिख देंगे x माइनस आठ। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, x माइनस आठ, फिर से ये वाला x और यहाँ पर माइनस आठ बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको दो भाग में अलग अलग लिखेंगे, x माइनस आठ बराबर जीरो, ये वाला जीरो। ठीक है, इधर भी x माइनस आठ बराबर जीरो। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस आठ, क्योंकि ये आठ जो है उधर जा रहा है, जीरो के उस पार जा रहा है, तो प्लस आठ हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, एक्स बर एक्स देखिए एक्स एक्स माइनस आठ बराबर जीरो है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस आठ हो जाएगा यहाँ भी। ठीक है, एक्स बराबर आठ और एक्स बराबर आठ आया है, और इसमें क्या आया था, एक्स बराबर चार और एक्स बराबर तीन आया था। और अगला हम लोग का है, देखिए मैं यहाँ पे अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ मैं तीसरा नंबर को बना देता हूँ, छोटा छोटा हट जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक्स का स्क्वायर माइनस पच्चीस, पच्चीस बराबर जीरो, थोड़ा सा जगह लगेगा इसमें, इतना में बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना रहता है, ऐसा समीकरण रहता है ना, तो इसमें मतलब पूछ रहा है कि इसमें x का मान बस निकाल देना, जैसे हम लोग यहाँ निकाले उसी टाइप का x का मान यहाँ भी निकाल देना है। ठीक, ये अलग है यहाँ से, ठीक ये ऐसा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर इसको उस पार भेज देंगे, बराबर के उस पार, तो वह प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में है 25 तो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर है, तो इस एक्स का स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग अंडर रूट लिख सकते हैं, तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, एक्स का मान इसमें पाँच आ रहा है। तो हम लोग का क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में जो पूछा था उसमें बोला था कौन किस में एक्स का मान छः से अधिक है, एक्स का मान छः से अधिक है ऐसे बोला था, मतलब इसमें एक्स का मान चार है, छः से छोटा है, इसमें एक्स का मान थ्री है मतलब छः से छोटा है, इसमें एक्स का मान पाँच है मतलब छः से छोटा है, और इसी में बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर में क्या है, आठ है जो कि एक्स मतलब छः से बड़ा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसी से रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन बताने वाला हूँ, देखिएगा आप लोग को ये पूरा क्लियर हो जाएगा आज। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर माइनस 42 बराबर जीरो, ये छोटा क्वेश्चन है इसको हल करिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 बराबर जीरो। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम मैं बोला कि इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, या फिर कुछ भी रहेगा तो यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा उसका गुणा 42 से करेंगे, तो यहाँ पर एक है तो हम लोग 42 से गुणा करेंगे तो 42 ही आएगा। ठीक है, तो उसको छोड़ दो, वहां उस वाला झंझट यहां पे नहीं है, तो ये 42 को ऐसा भाग तोड़ना है, ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि उसको हम लोग गुणा करें तो 42 आए, या और जोड़े और घटाएं तो क्या आए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो एक आए मान सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है देखिए दोस्तों, वो संख्या हो जाएगा 7 और 6, क्योंकि 6 7 42 हो जाता है, 6 7 42 हो जाता है, मतलब इन दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए, और इन दोनों को जोड़ने या घटाने से क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो हम लोग को इसको घटाएंगे तो एक हो जाएगा, 7 और 6 7 में 1 गया 6 7 में 6 गया कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 6 हम लोग का शब्द मिल मतलब ये अंक मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर
माइनस सेवन एक्स, माइनस सेवन एक्स। देखिए अब यहाँ पे आप लोग को दिक्कत ये जाएगा कि यहाँ पर माइनस लिखें कि यहाँ पर माइनस लिखें कि प्लस लिखें, क्या करें। तो हम लोग को इसको घटाना है, ठीक है, कुल मिला के क्या करना है, घटाना है। क्यों घटाना है सात और छः को, क्योंकि हम लोग को यहाँ एक लाना है, ठीक है, और गुणा करने पर इतना लाना है, बयालीस लाना है। तो यहाँ पर माइनस अगर लिख देता हूँ तो यहाँ पर मैं अगर प्लस लिखूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस दोनों असमान है, मैं इससे पहले बोला दोनों असमान रहेंगे तो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। और अगर एक समान रहेंगे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस तो क्या हो जाता है, वह जुड़ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है, माइनस है बयालीस ना, फिर इसके बाद है जीरो, ठीक है। इसमें क्या बन गया, ये जोड़ा बन गया और इसमें ए जोड़ा बन गया, ठीक है। तो इसमें इसमें कॉमन निकालना है, अब क्या निकल जाएगा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक ठो एक्स बाहर निकल गया, एक ठो एक्स यहीं पे है और इस पर माइनस लिख देंगे और यहाँ पे क्या बचा है, सेवन बचा है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या निकल गया, प्लस सिक्स निकल गया, प्लस सिक्स निकल गया। तो यहाँ पर पे प्लस सिक्स निकल गया तो इधर क्या बच गया, एक्स बच गया और क्या बच गया, माइनस सेवन बच गया। क्योंकि सिक्स और सेवन, देखिए सिक्स और सेवन को गुणा करने से क्या आता है, बयालीस आता है, बयालीस आता है, ठीक है। तो इसमें क्या निकल गया, सिक्स बाहर आ गया यहाँ से, छः निकल गया बाहर, तो इधर क्या बचा है, यहाँ पे इसके अंदर साथ ही ना बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बराबर हो गया जीरो, ठीक। इसके बाद अगला स्टेप में आता है कि ए वाला और ये वाला सेम टू सेम है, तो एक ठो को हम लोग यहाँ लिख देंगे, एक ठो को यहाँ लिख दिए, तो यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा है दोस्तों एक्स प्लस सिक्स बचा है, ये वाला सिक्स बराबर जीरो, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए अगला स्टेप, एक्स माइनस सेवन बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर प्लस सेवन, एक्स बराबर प्लस सेवन और एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस सिक्स हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यह जीरो से ना जीरो के उस पार जा रहा है, जीरो को हम लोग गायब कर दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जीरो इस पार आ गया, ठीक है, मतलब उस तरफ जा रहा होता है तो साइन चेंज हो जाता है। देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ यहाँ पे कि जहाँ पर माइनस चिन्ह है और वह बराबर के उस पार जाता है, माइनस चिन्ह है और वह बराबर के उस पार जाता है तो वह प्लस हो जाता है, और अगर कोई प्लस चिन्ह है वह बराबर के उस पार जाता है तो वह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और गुणा का चिन्ह है कोई वो बराबर के उस तरफ जाता है तो वह भाग का चिन्ह में बदल जाता है, और अगर कोई भाग का चिन्ह है वह बराबर के उस पार जाता है तो वह गुणा में बदल जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर प्लस था, प्लस सिक्स था, वह क्या हो गया, उस पार गया तो माइनस में आ गया यहाँ पर, ठीक। मतलब इसका दो आंसर आ गए, एक्स बराबर सेवन और एक्स बराबर माइनस सिक्स आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर मैं लिखता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सत्रह एक्स, फिर से प्लस बहत्तर बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस सत्रह एक्स प्लस बहत्तर बराबर जीरो है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए पहला स्टेप इसका आता है कि ये बहत्तर को ऐसा तोड़ना है कि क्या है, बहत्तर को हम लोग ऐसा तोड़ें कि गुणा करने पर बहत्तर आए और जोड़ने या घटाने पर सत्रह आए। तो चलिए आप लोग बताइए क्या होगा इसका, तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका हो जाएगा आठ और नौ, आठ और नौ, क्योंकि आठ अट्ठाई चौंसठ, आठ नौ बहत्तर, आठ नवा कितना होता है, बहत्तर हो जाता है, आठ नवा बहत्तर हो जाता है, मतलब आठ और नौ को हम लोग गुणा करेंगे तो बहत्तर आ रहा है, और आठ और नौ को जोड़ेंगे तो क्या आता है, सत्रह आता है, मतलब वह अंक क्या होगा, आठ और नौ होगा। अब आगे आप लोग बोलिएगा कि सर अब आगे तो हम लोग बना देंगे, तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर रोकिए और आप लोग पूरा बनाइए, फिर मैं जो बना रहा हूं उसमें मिला लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अगला स्टेप इसका बताता हूं, ये क्या हो जाएगा, x x स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस का चिन्ह है तो बड़े वाले में प्लस,
प्लस यहाँ है तो बड़े वाले में प्लस होगा, एट एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ए जोड़ा हो गया और ए जोड़ा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, x बाहर निकल जाएगा, x दोनों साइड दिखाई दे रहा है, तो एक ठो x बाहर, एक ठो x अंदर, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, प्लस 9 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 8 बचेगा बराबर 0। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों सेम टू सेम है, जैसे मैं पिछले में बताया, तो x प्लस 8 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर x प्लस 9 यहाँ लिख देंगे, x प्लस 9 को यहाँ पे लिख देंगे बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से x प्लस 8 बराबर 0 दो भाग में करके, x बराबर माइनस 8 और इधर भी x प्लस 9 बराबर 0 और x बराबर माइनस 9 हो जाएगा आंसर, इसका आंसर। तो इसका दो आंसर हो गया दोस्तों, x बराबर माइनस 8 और x बराबर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी का नोट करिए, इसको आप बनाकर दिखाइएगा। ठीक है, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 होता है। ठीक है, ये क्या है प्रश्न है, तो इसको हल करना है। तो मैं बोला कि ये 6 आ गया है एक्स्ट्रा इस बार। ठीक है, तो इस 6 को क्या करेंगे हम लोग, इस 6 के साथ गुणा करेंगे सबसे पहले, तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 36 को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने से 36 आए और जोड़ने और घटाने से क्या आए, 13 आए। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या होगा, तो मैं बता दूं दोस्तों, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 और 4 को गुणा करेंगे तो 9 × 9 = 18 × 9 = 27 × 9 = 36 हो जाता है, 9 × 4 = 36 हो जाता है, और इसको जोड़ने से क्या हो जाता है, 13 हो जाता है, 9 × 4 = 13 होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे सेम टू सेम 6x² माइनस, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे, बड़े वाले में माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर 9x लिखाएगा, और यहाँ पर हम लोग कुछ जोड़ना है तो इसलिए हम लोग यहाँ भी, क्योंकि साइन सेम रहेगा तभी तो जोड़ेंगे ना। ठीक ना, तो यहाँ पर भी सेम लिखना पड़ेगा, 4x मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर प्लस 6 लिखना है, प्लस 6 लिखना है, ये ऊपर वाला। ठीक है, प्लस 6 लिखना है, यहाँ पर 36 मत लिखेगा, 36 मत लिखेगा। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर एक ठो ये जोड़ा हो गया, एक ठो ये जोड़ा हो गया, तो इसमें से क्या निकल रहा है बाहर, देखिए 3x निकल रहा है, क्योंकि 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, x भी है, x भी है, 3x निकाल दिया तो 3 × 2 = 6 होता है, तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है अंदर में। ठीक है, एक ठो x बचा है और 2 बचा है, और इधर क्या है, माइनस है, और 3 × 9 होता है तो 3 बचा हुआ है, बस इतनी बचा है, एक ठो x है तो बाहर निकल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस में निकाल दिया, तो यहाँ का भी साइन अभी यहाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 निकल जाएगा, क्योंकि इधर x नहीं है, तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर क्या बच गया है, 2 बाहर निकल गया है यहाँ से, तो 3 बचा है। ठीक है, 3 बचा है, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 माइनस निकल गया है तो 3 बच जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो दोनों का एक ठो लिख देंगे इधर 2x - 3। ठीक, 2x - 3, और इधर क्या बचा है, 3x - 2 = 0। ठीक, अब अगला देखिए, अगला स्टेप इसको दो भाग में करने वाला। ठीक है, तो अगला क्या हो जाएगा,
टू एक्स बराबर थ्री, क्योंकि जे माइनस थ्री है तो जीरो के उस पार जा रहा है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, बस थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री या फिर थ्री बस लिखिए की बात है, तो एक्स का बराबर हो जाएगा थ्री बटा, यहाँ पर गुणा में है ये तो उस पर जाएगा तो भाग में हो जाता है, मैं अभी बताया था ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक्स बराबर तीन बटा दो हो जाएगा ठीक है। इधर देखिए थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो इधर क्या हो जाएगा थ्री एक्स बराबर टू हो जाएगा, बस माइनस टू था तो यह टू हो जाएगा, क्योंकि टू माइनस टू उधर गया तो प्लस टू हो गया इसलिए, और एक्स क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा टू बट्टा थ्री हो जाएगा ठीक। मतलब ये हो गया इसका आंसर एक्स बराबर थ्री बट्टा टू और एक्स बराबर टू बट्टा थ्री ठीक है। तो दोस्तों बाकी अगले वीडियो में रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।